मोदी सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भाजपा का दरवाजा खुला है, वे जब चाहे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका स्वागत है। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ की तनातनी के बीच एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। जी हां, इस बार प्रदेश भाजपा के नेताओं के द्वारा नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सिंधिया को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है। देखिए, हमारा दरवाजा खुला था। मैंने कई जगह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान ऑनलाइन सदस्यता हुई है, कोई भी व्यक्ति आए, दरवाजा हमारा खुला है। और इसलिए जब वो ज्वाइन करेंगे तो उस समय हम जरूर उस पर विचार करते हैं, परंतु हमने कभी किसी को रोका नहीं। पर इसलिए उनका अपना फैसला है, उनको कहाँ काम करना है, क्या करना है, अपना निर्णय है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश में ऑनलाइन सदस्यता इसलिए प्रारंभ किया कि पिछले समय 11 करोड़ सदस्य थे, आज मुझे लगता है कि करीब करीब 17 करोड़ सदस्यता हो जाएगी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो हमारा टारगेट है, करीब करीब हमने 7 करोड़ सदस्य बनाने का है, वैसे कुल मिलाकर के 18 करोड़ की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की जो सूचना है पूरे हिंदुस्तान में लगभग यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपा पूरे देश में सेवा सप्ताह मना रही है। इस क्रम में सिवनी के एक निजी महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाकौशल क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता, सिवनी मंडला के सांसद एवं राज्य इस्पात मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देकर सियासत गर्मा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सिवनी।